हम पहुंच गए हैं नालंदा। तो राजगिरी और गोल्ड माइन होते होते हम लोग पहुंच गए हैं नालंदा। अभी एक प्रवेश द्वार है नालंदा के, यहाँ से जा रहे हैं हम लोग अंदर। सभी हमारा ग्रुप का लोग आगे आगे जा रहे हैं, बहुत सारे भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे। भी लगता है यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा। ठीक ही है, इंडियन लोगों का पर पर्सन का 40 है, और जो फॉरेनर से इंडिया से बाहर से आ रहा है उन लोगों का 60 है। 60 रुपीज़ ओनली, 600 है। जो भी इंडिया के बाहर से आ रहा है उन लोगों को 600 पे करना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। यहाँ पे फूल तोड़ना और घास पे चलना मना है, तो यह सख्त चीज का मना है। अंदर साफ ही रखना चाहिए। अभी हम टिकट लेके भी नालंदा के अंदर आ चुके हैं, और इंडियन जो विजिटर है, टूरिस्ट है, उन लोगों का सिर्फ 40 रुपीज़ है। और जितने भी बाहर से आ रहे हैं लोग, फॉरेनर्स लोग जो बाहर देशों से आ रहा है, उन लोगों का पर हेड का 600 है। तो अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं। अंदर का नज़रिया ऐसा दिख रहा है यहाँ से। हेलो, ये नालंदा का हिस्ट्री यहाँ तब देख सकूँ। डल्लै हाई 5th century में एडी में थी ना, ये फर्म भाग इंस्टिट्यूट और अर्गनाइज भाग हाई। इसको विषय में डल्लै तब हेन पाँच 5th century में, 5th century AD। अब हामी नालन्दा भित्र पस्यो। यो चाहिँ एकदम विश्वको पुरानो धरोहर हो, नालन्दा विश्वविद्यालय। र अहिले चाहिँ हामी भित्र पस्दैछौँ। यो चाहिँ एकदमै सबैभन्दा पुरानो नालन्दा विश्वविद्यालय, यो चाहिँ 5th century AD है बनिएको रहेछ। र सबै लामलाहरू गेलाहरू सबै फर्किनुहुन्छ दर्शन गरेर, र हामी पनि जाँदैछौँ। ए हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, यो चाहिँ नालन्दा युनिभर्सिटीको भित्रको दृश्य। यहाँनिरबाट सबैले प्र्याक्टिस गर्थ्यो है, किनकि
यताको साउन्ड चाहिँ तपाई नहोस् भन्ने चाहिँ यो प्रकारले बनिएको थियो सबै पुरानो क्लासरुम हो नालन्दा युनिभर्सिटीको यो सबै पुरानो क्लासहरू है नालन्दाको कुनै चिजको पनि डिस्टर्ब नहोस् भनेर चाहिँ यो प्रकारले बनिएको थियो नालन्दा विश्वविद्यालय पंडित तहसीलभद्र शांति देवा शांति रक्षा आर्यभट्ट इन लोगों का नाम आता है जो एस मैन टीचर्स हुआ करते थे। तो नालंदा जो डीक आउट हुई तो ये वन पार्ट हो गई बिहार। तो मैंने बोला कि नालंदा का जो डीक आउट हुई 1 किलोमीटर तो 11 मोनास्ट्री मिली और 5 टेंपल मिली, लेकिन हिस्ट्री मेंशन है कि 10 किलोमीटर में 108 मोनास्ट्री थी और 36 टेंपल था। तो जो मैं एक मोनास्ट्री का दिखाऊंगा 11 मोनास्ट्री रिपीट है, सेम है। अगर किसी में ज़्यादा किसी में कम होती तो विरोध होता, इसलिए सेम था सारा मोनास्ट्री। तो इस मोनास्ट्री को देखने के लिए जाएंगे। इस मोनास्ट्री को जावा सुमात्रा का नरेश ने बनाया था। जावा सुमात्रा इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया का जो नरेश ने बनाया था उनका नाम था बाल पुत्र देव। तो उन्होंने एक मोनास्ट्री को दान के रूप में बनाया दिया है, जिसको हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। फोरो नाको दुआ फोरो फोरो दुआ खाल खाता फोरो ये खर्च गए फुब चुके फुब नौ चौका दुआ
तब उठी रह तिमी पो उठे महावीर होटल आइपुगे। यहाँ हमी अहिले नालन्दाबाट अब फर्किने बेला में अब खाना साना खाएर दिवसो को तीन भी बजिसक्यो र खाना साना सबैजना हमीर अब खाना खाने को लागि बस्दैछौं। त्यसको बादमा फेरि हामी तातो पानी जाने छौं। तातो पानी गएर चाहिँ त्यहाँदेखि लास्ट हाम्रो एउटा डेस्टिनेसन छ, त्यहाँ पुगेर चाहिँ आजको हाम्रो यात्रा समाप्त हुनेछ। र हेर्दै गर्नुहोस् तपाईँहरूले पनि आजको यो हाम्रो रातदेखि तीर्थयात्रा के कसो भयो, यसो कमेन्ट्स अनि लाइक्सहरू गरिदिएर सेयर पनि गरिदिँदै अनुरोध गर्नुहोस्। र अहिले चाहिँ राजगिरी आइपुगेर हाम्रो लन्च चाहिँ ढिलो भयो आज, सबैजनाले लिनुहुन्छ लन्च अहिले। हाम्रो चाहिँ आउँदैछ जानु लागेको छ। र यहाँ लुक गेट रहेछ मुख्य प्रवेशद्वार ब्रह्मकुण्ड राजगिरी। केटाहरू नुहाउने साबुन लानु खोज्यो, ए साबुन नुहाउने हो। हामी यहाँ बस्यो, यहाँनिर यसो तल कुवा छ क्या, हजुर तल कुवा छ, ए पहिला थिएन माटो कुवा थियो, पछि बनाएर सबै ए राजाको प्यालेस पनि यहाँ नि माथि, ए हजुर सब भक्ति र ए हजुर र अहिले चाहिँ हामी तातो पानी पनि निस्किँदैछौँ। तातो पानीमा गएर हामीले तातो पानी पनि ल्यायौँ है, राजगिरीको तातो पानी र टाउको सौको नयाँ हामीले है अब त्यहाँ क्यामेरा चाहिँ लगेर किन प्रायः नआउँदै गरेको हुन्थ्यो है, त्यही भएर चाहिँ क्यामेरा चाहिँ लगेर
सबैले हामीले तातो पानी लिएर है त्यहाँबाट अब जाँदैछौँ। र अहिले चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ दशरथ माझी। र यसको चाहिँ एउटा छुट्टै कथा छ है, जुन चाहिँ यहाँनिर एउटा मजदुर चाहिँ काम गर्नु आएको हुन्छ यो रोडको काममा है, र उसको मिसेसले चाहिँ उसलाई खाना पुऱ्याउनु लन्च पुऱ्याउनु आउँदाखेरि चाहिँ लडेर एक्सपायर भएको हुन्छ है, मरेको हुन्छ। र त्यही उसको मायाले र त्यो गाउँको अन्य काम गर्नेको पनि यस्तो स्त्री अब बुढीहरू चाहिँ है धर्मपतिहरू चाहिँ नलडोस् नमरोस् भनेर चाहिँ उसले 25 साल काटेर चाहिँ यो बाटो बिजेबाट बनिएको हो है। र यो धेरै साल भएको छ यो काटेको चाहिँ, यो डल्लै पहाड तोडेर चाहिँ बनाएको एउटा कथा रहेछ है। र तपाईँले युट्युबमा मुभी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नाम त के भन्यो आज दशरथ माझी। र अन्तिम हाम्रो अब यहीँ हो र अब चाहिँ हामी सिधै घरतर्फ जाँदैछौँ। सो अन्तिम समय हेरिदिनुहोस् ल भिडियोलाई, लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् ल। हुन्छ, थ्याङ्क यू।